तुम जो बार बार मेरा दिल तोड़ती हो उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। अच्छा सुल्ताना, तो तेरे सीने में दिल भी है? एतबार नहीं, तो सुन ले, दिल तो मेरा है मगर नाम हमेशा तेरा लेता है। हटो, मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे 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 सुनो, मैं तो पसंद हूं ना। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बापू के सामने क्या हो जाता है? बापू, आज बापू से भी बात करूंगा। अरे, अरे, तुझे बच्चों से बहुत प्यार है ना, है? देख तेरी मेरी शादी हो जाए ना तो बच्चों को मैं लाइन लगा दूंगा, लाइन। ये कर, कोई बात नहीं, बड़ी हुई है, अगर तुझे शादी कर दी तो तू पछताएगी। हाँ मोती, मोती अब तू शादी कर। मैं तो कभी से तैयार हूँ शादी करने के लिए, तो अगर तुमने पन्ना से पूछ लिया। पन्ना से क्या पूछती है? शादी तो मुझसे करनी है। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली अब तारसी। तारा अगर दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाए तो मेरा घर जगमगा उठे। तो फिर हुई बात पक्की? अरे पक्की, बिल्कुल पक्की। दोनों बचपन से इकट्ठे खेल कूद कर जवान हुए हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ लगन भी है। जब ही तो मैंने जबान खोली, आज की पूनम की रात को दोनों के हाथ पीले कर देते हैं। लो, बड़ी उम्र है इन दोनों की, अभी इनकी बात हो ही रही थी कि दोनों आ गए। अरे तू तो पानी भरने गई थी, सुल्ताना के साथ कैसे? बापू, घाट पे फिसलन बहुत थी, पांव फिसल गया, गड़ा फूट गया, पूछो सुल्ताना से। अच्छा, रेवड़ी वाले का गवाह गंडेरी वाला। बापू, मैं दूसरा घड़ा लेकर अभी पानी ले आती हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, तेरी और तारा की शादी पक्की हो गई, अपने काका के पांव छुओ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। सुल्ताना, अब तो मुंह मीठा कराओ। मुंह मीठा? हाँ, अंदर बहुत सारा गुड़ पड़ा हुआ है, जितना जीजा खा ले। तुम तो गुड़ ही खिलाओगे मगर गुड़ से काम नहीं चलेगा। अरे सुनो बेटा, ठाकुर अजीत सिंह के आदमी आए थे, उन्होंने कहा है कि हमने उनकी जमीन पर बगैर उनकी इजाजत के पड़ाव क्यों डाला है, वो पूछ करने को बोल गए। जमीन तो भगवान की है बापू, मैं ठाकुर से निपट लूंगा, आप फिक्र न करें। अरे आओ भाइयों, मुंह मीठा करो। क्यों भाई, क्या बात है? सुल्ताना की शादी पक्की हो गई। मुबारक हो। तारा, मैं उठा लूं मटका? नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। सुल्ताना से तो खूब घुल मिल गई हो। वो तो घोड़े पर बिठाता है, मैं तो सर आंखों पर बिठाने को तैयार हूँ। अरे वाह, जाते हो या नहीं? ऐसे तो नहीं जाऊंगा, फिर कैसे जाऊंगी? देखो पहलवान, मैं तारा से शादी करने वाला हूँ। उसी की हो सकती है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो।
हारा, तुम जीते मैं हारा। भाभी इन्हें घर ले जाओ। बहुत अच्छा हुआ, अभी मुझे कभी नहीं छेड़ेगा। हाँ, और एक खुशखबरी और सुनो। वो क्या? तेरे और मेरे बापू ने हम दोनों की शादी करने का फैसला किया है। और सुनो, आती पूनम की रात को हमारे फेरे भी हो जाएंगे। वो फेरे तो बाद में होंगे, लेकिन आज बापू हाथ में लकड़ी लेकर मेरे दूसरे फेरे कर देगा। हाँ, क्या मतलब? दूसरा मटका भी फूट गया है ना, अब मैं पानी कैसे ले जाऊंगी? ओ, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी से भरा भरा मटका लेकर आता हूँ। बन्ना, ये बन्ना, बन्ना। क्या है? देखना, ये मटका मुझे दे दे। क्यों? देखना, तेरा ये बूढ़ी कमर, बहन ने ये तेरी पतली कमर, इतना बड़ा मटका तू कमर पे लेंगी, तेरे कमर में कहीं मोच आ जाएंगी तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। अच्छा, इसलिए जरा आहिस्ता, टूट जाएगा, बड़ा भारी है। चक्कर तो नहीं हो जाए? अरे ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, अरे नीचे भी आ गए। मेरा मटका ये है ना, ये दो थे, एक कैसे हो गया? अरे होने दे, आखिर हम दोनों को तो एक होना है। मगर मेरा मटका कहाँ गया? अरे ये सर पे ना क्यों चला रहे? देखती ना, ये जिसके ऊपर था ये वो देखना, मैं आ रहा था, वो पेड़ है ना, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मटका ऊपर 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 मटका गया। ये लो। लेकिन मोती? मोती की फिक्र मत करो, वो अपने आदमी है। तारा की शादी हो रही है? हो रही होगी मेरी बला से। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम आप तकट। अरे मोती के बच्चे को मत कर रहे हो पहलवान। भाभी इसे समझा दो वरना। Thank you.
शंकर, कौन है ये लड़की? मेरे बारे में पूछ रहे हैं वो? हाँ, तुम्हारे बारे में। ये तुम्हारे बाप के खेत हैं, जो तुम यहाँ बकरियाँ चरा रही हो। हम खाना बदोश है, खेत वेत को ना अपने बाप की जायदाद समझते हैं, ना किसी और के बाप की। धरती और आकाश का मालिक तो सिर्फ भगवान है। तुम इससे बात कर लड़की, जानती नहीं यहाँ के जमींदार है? मैं क्या जानू, किसी के माथे पर थोड़ा ही लिखा होता है। बड़ी चंचल, क्या नाम है तुम्हारा? तारा, आज यहाँ कल वहाँ। सुनो तो। सुन तो लिया है, ये खेत तुम्हारे हैं, इसलिए मैं अपनी बकरियाँ हांक कर कहीं और ले जाती हूँ। ठहरो ठहरो, तुम अपनी बकरियों को यहीं चरने दो, तुम्हारी बातों में इतना रस है कि। मैं तुम्हारी नीयत समझ गई, मगर कान खोल कर सुन लो, तुम जमींदार हो या जमादार, मुझे तो आगे तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। बेटी, अरे बेटी, बड़े आदमियों से इस तरह बात नहीं किया करते। काहे का बड़ा आदमी बापू, पराई बहू बेटियों पर बुरी नजर डालना क्या बड़े आदमी के यही लक्षण होते हैं बापू? इस गुस्ताख लड़की को हमारी हवेली में पहुंचा दो। नहीं 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 नहीं, ठाकुर ठाकुर, मेरी बच्ची को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरी इज्जत के साथ मत खेलो ठाकुर। बस हो चुका भाषण, अब होता नहीं। बापू, क्या हुआ मेरे बाबा को? बेटा, ठाकुर राजीव सिंह और उसके आदमी आए थे, तुम्हारे बापू को जख्मी करके तारा को उठा ले गए। क्या कहा, तारा को उठा ले गए? हाँ बेटे, तारा अब तुम्हारी अमानत है, उससे कुछ हो गया तो। बस काका, तारा को बचाओ बेटा, तारा को बचाओ। जग्गू, जाओ। शीशे में मैं में नशा, मैं नशे में हूं। हसीन तारा, खबरदार मेरे नजदीक मत आना। नादान लड़की, हम जिसे पसंद करते हैं उसे हासिल करके ही रहते हैं, और फिर तुम्हारी ये भरपूर जवानी और इन नशीली आंखों में इतनी कशिश है कि हम बेख्तियार खींचे हुए चले। जो पहले ही घायल हो उसे क्या मारूंगी, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी ये नाजुक खुलाई बल न खा जाए। नीच कमीने, छोड़ दो मुझे। जहां मर गए हो, पकड़ो इस बदमाश को। भाग गए, कोई बात नहीं, अब मेरा इंतकाम जा उठा है, मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख लिया कोतवाल साहब, मैं तो लुट गया। ताज्जुब है, जिस राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, उस राज के एक वफादार शाही पर यह जुल्म, यह अन्याय। कोतवाल साहब, सुल्ताना ने मुझे नहीं लूटा,
बल्कि अंग्रेज सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है, एक जबरदस्त तमाचा। और उसके अलावा उसके कबीले वाले सारे इलाके में उद्यम मचा रहे हैं। ठाकुर साहब, आप इत्मीनान रखिए, आपकी जात पर उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाएगा। आपको लूटने वाले अब ज्यादा देर तक खुली हवा में सांस नहीं ले सकेंगे। शौकुन आइए। शुक्रिया। हे राम, सच मानो तो ये सारे चोर डाकुओं और उचक्कों की। कोतवाल साहब, आप बहुत जल्द इन्हें नजरबंद कर दें, वरना। ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ, जब से इस कबीले ने शहर से बाहर डेरे डाले हैं, चोरी और जराइम की तादाद बढ़ गई। बिल्कुल। क्या आप मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर में चलने की तकलीफ फरमाएंगे? वो किस लिए? हडसन साहब एक जाबिर किस्म के हाकिम हैं। वो आपकी कहानी, आपकी जवानी सुनकर जल्द ही कोई सख्त कदम उठाएंगे। सुल्ताना सुल्ताना सुल्ताना, एक मामूली खाना बदोश की ये हिम्मत। कोतवाल, फौरन पुलिस फोर्स साथ लेके जाओ और उस डाकू को उसके कबीले के साथ गिरफ्तार करके फोर्ट में बंद कर दो। एक्सक्यूज मी कैप्टन हडसन, आपने तस्वीर का एक ही रूप देखकर अपना फैसला दे दिया है। हमें इस मामले की पूरी जांच किए बगैर कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए। हो सकता है कि सुल्ताना सच्चा है और मैं झूठा, आप यही कहना चाहते हैं ना? बड़े अफसोस की बात। कैप्टन साहब, क्या यही सिला है मेरी वफादारी का, मेरी खिदमत का? मैंने अपने देश में ब्रिटिश राज की जड़ें मजबूत करने के लिए हमेशा आपका साथ दिया। लोगों ने मुझे गद्दार कहा, मेरे घर के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन मैंने किसी बात की परवाह न करते हुए अपने कौमी झंडे के बजाय आपके यूनियन जैक को सलामी दी। और आज आप मुझे झूठा कहकर मेरी तौहीन कर रहे हैं। सर्जेंट। यस सर। मैंने सोच समझ कर यह कदम उठाया है। ये लोग जरायम पेशा है, इनका इस तरह आजादी से घूमना अमन के लिए खतरा है, इस पर फौरन अमल किया जाए। कैप्टन हडसन, आपका इकबाल बुलंद रहे। सुल्ताना कहाँ है? वो अपने बापू के दवाई लेने गए हैं, अभी आता ही होगा। झूठ! ठाकुर अजीत सिंह के घर पर डाका डालकर वो फरार हो गया। गिरफ्तार कर लो इन सबको। और किस लिए? मगर हमारा कसूर क्या है? तुम सब चोर हो चुके हो। कप्तान साहब का हुक्म है कि तुम सबको कैद करके किले में बंद कर दिया जाए। ये नहीं हो सकता। नहीं बेटा, सुल्ताना ने बचा लिया है। सुल्ताना भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो माँ, घर चले। हाँ बेटा, तुम भी घर चलो, कुछ खा पी कर जाना। नहीं चाची, फिर कभी आऊंगा, बापू के लिए द्वार जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ। अच्छा, फिर आऊंगा। आओ माँ, घर चले। सौकार के पास गया था? हाँ माँ। क्या कहा उसने? उसकी तो एक ही राट है,
मेरा रुपया वापस कर दो, नहीं तो घर नीलाम करवा दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी, ये हमारे पुरखों की निशानी है। तू फिक्र ना कर माँ, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। मैं अभी अभी साहूकार से 3 महीने की मुहलत और लेकर आया हूं, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, मैं तेरे लिए गरम गरम दूध लेकर आता हूं। क्या हुआ काका, कहाँ गए सब लोग? सब पर्ची और डाके का इल्जाम लगाकर पुलिस पकड़ कर ले गई। कहाँ ले गई? किले में। और बापू को भी ले गई? नहीं, वो वहाँ सामने जख्मी पड़े हैं। जल्दी जाकर बचाओ बेटा, जल्दी जाकर बचाओ। काका, बापू। बेटा, बापू। बेटा तू आ गया। बेटा अपने कबीले वालों को बचा, अपने कबीले वालों को बचा। मगर बापू आप, मेरी फिक्र मत कर, मेरी फिक्र मत कर बेटा। तू मुझे वचन दे तो तू उन्हें फरंगियों से बचाएगा। हाँ बापू, वचन देता हूँ, इन फरंगियों से कबीले वालों को जरूर बचाऊंगा। बापू, बापू। यूसी सर, हर एक की शक्ल बता रही है, ये चोर और डाकू। यू आर राइट कैप्टन, ऐसे लोगों का आजादी से घूमना अच्छा नहीं। आपने बजा फरमाया आईजी साहब, मगर ताज्जुब तो इस बात का है कि इन लोगों में आपका असली मुजरिम सुल्ताना नहीं है। वो क्यों नहीं पकड़ा गया? उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है डाकू साहब। शट अप, सुल्ताना किधर है? सर वो वहां मौजूद नहीं था, मगर जल्दी पकड़ा जाएगा। अच्छा तो तुम हो सुल्ताना? जी हाँ सरकार, यही आपका असली मुजरिम। ये जबरदस्ती किले में घुसने की कोशिश कर रहा था हुजूर। चोर डाकू, तुमने कैसे समझ लिया कि बेटे सरकार इतना कमजोर हो गया? चोर और डाकू मैं नहीं, तुम हो। जिस धरती पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं उस पर कब्जा जमाए बैठे हो, ये सबसे बड़ा डाका है। सुल्तान भाई, ए सुल्तान भाई, अरे इधर, यहाँ तो चूहे दौड़ रहे हैं।
अरे जेल में चूहे नहीं दौड़ेंगे तो क्या हाथी घोड़े दौड़ेंगे? अरे जेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भाई। अपने को तो भूख लगी है, भूख। भूख लगी है बच्चू। ये सुरंगियों का कैदखाना है, तुम्हारी ससुराल नहीं। तुम्हें अपने पेट की फिक्र हो रही है मोती, और मैं यहाँ से भागने की सोच रहा हूँ। राहिता, बाहर वो हवलदार का बच्चा सुनता होगा। तुम ठीक कहते हो, ठीक कहता है। मैं उसको अभी गुल करता हूँ। हवलदार जी, क्या है, कितने बजे हैं तुम्हारी घड़ी में? पांच माफ करना हवलदार जी, तुम्हारी गिरी हो गई वर्दी। जल्दी बदन डालो वरना बड़ा साहब आएगा और तुम अंदर और हम बाहर। हाँ, छोटा इनका बच्चा। माफ करना भैया, माफ करना। उसको तो गुल कर दिया। आप बता, दरवाजा तोड़े या खिड़की तोड़े? अभी तुम नए पंछी हो। इन आहानी सलाखों और फौलादी दीवारों को तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं हो सकता। इन फरंगियों ने मुझे और मेरे बेगुनाह कबीले वालों को चोर डाकू ठहराकर मेरी गैरत को ललकारा है। सुल्ताना इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। आदमी तो तुम बड़े दिल वाले मालूम होते। Thank you.
अरे कमाल है। अरे तो वो जाकर इनके को मिले आप जाओ। क्या हो रहा है? सुल्ताना साथियों के साथ फरार हो गया। सब लोग आज रात लाल सराय में ठहरो। अच्छी बात है, मैं तुम्हें कल वहां मिलूंगा। समझ गया। जय अंबे। जय अंबे। तुम्हें यहां कोई डर नहीं, इसे अपने ही घर समझो। तुम्हें चोर डाकू कहने वाले खुद चोर डाकू हैं। माँ, कुछ इनके खाने पीने का भी इंतजाम करोगी या बातों में रात गुजार दोगी? नहीं चाची, आप बैठिए, तकलीफ करने कोई जरूरत नहीं। हाँ। क्यों रे, तुझे क्या हुआ? सुल्ताना भैया, सुल्ताना भैया, पुलिस ने गांव पे छापा मार दिया है, सब घरों की तलाशी ले रहे हैं, वो लोग इधर भी आ रहे हैं। तारा तुम अंदर जाओ। भैया तुम भी कहीं छुप जाओ। हाँ सुल्ताना, तुम तारा की फिक्र मत करो। मकान की तलाशी लेना चाहती है। सुना है किले से भागा हुआ सुल्ताना और उसके साथी इस गांव में कहीं छुपे हुए हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं, बेशक तलाशी ले लीजिए। जाओ सुल्ताना को तलाश करो। अंदर वो लड़की कौन है? मेरी बेटी है, कल ही ससुराल से आई है। उसे बाहर बुलाओ, हम उसकी सूरत देखना चाहते हैं। बेटी जरा बाहर आना। इस लड़की का घूंघट उठाओ। खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया, तुम्हारी यह हिम्मत कि गांव की बहू बेटी का घूंघट उठाओगे, हम अपनी आन पर कट जाएंगे, लेकिन स्त्री जाति का अपमान नहीं होने देंगे। साजन साहब, क्यों बखेड़ा बढ़ाते हो? सुल्ताना गया जहन्नम में, हमें इस मारधाड़ से क्या लेना है? ठीक है चलो। चाची, मैं तो ये सोचकर आया था कि कुछ दिनों के लिए तारा को आपके पास छोड़ जाऊंगा, मगर इस हालात में
मैं आप लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता। चलो तारा। ठहरो बेटी, इसमें खतरे की कौन सी बात है? तारा मेरी बेटी बन के रहेगी। मगर ये पुलिस। सुल्ताना भैया, आप फिक्र ना करें, तारा बहन का ये अपना ही घर है। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा तारा, मैं चलता हूँ। जल्दी आना सुल्ताना, मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। तू फिक्र ना कर, मैं जल्दी आऊंगा। चल बच्चों, उठ के पहरा दो, तुम्हारी बारी है, चलो पकड़ो। माफ करना भैया, मुझे बहुत दिन आ रही है, जरा सोने दे यार। पहरा तुम्हारा बाप देगा। लो। अरे सुन, तू मेरा थोड़ी देर के लिए बाप बन जा और पहरा दे। अबे दिन के उजाले में क्या पहरा देना बेटे? ये दिन का उजाला तो और भी खतरनाक है हम भगोड़ों के लिए। भगोड़ा तू होगा, भगोड़ा तू होगा। अरे मैं तो अंग्रेजों की जेल से बड़ी बहादुर के साथ बाहर निकला हूँ। मावल भारी मानू होती है। शेख हिम्मत बगारो मोती, बहादुरी तो मेरी थी कि रास्ता रोकने वाले हर सिपाही को तीतर बटीर की तरह भून डाला मैंने। इस कारनामे का अंजाम जानते हो शेर सिंह? कानून की नजरों में हम सब खूनी बन गए हैं। जिनसे इंसाफ की उम्मीद की जा सकती थी उनसे अब छुपना पड़ेगा। आजादी का हक मांगने के लिए हमें डाकू बनना पड़ेगा। डाकू बनना पड़ा तो खुशी से बनेंगे सुल्ताना। मैंने अपने हाथ खून से रंग लिए हैं, तो आज से तुम सब मुझे अपना सरदार समझो। नहीं, हमारा सरदार सुल्तान सिंह होगा। सुल्ताना, डाकू बने से ये अच्छा है कि इस खूनी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नारे बात होती, जिसने जेल से रिहाई में हमारा साथ दिया मैं उसे यह गद्दारी नहीं कर सकता। मगर ये हमारा सरदार नहीं बनेगा। हमारे कबीले के लिए किसी गैर के दिल में वो दर्द कैसे हो सकता है जो तुम्हारे दिल में? अच्छी बात है, हम सबका सरदार सुल्ताना ही होगा। मुझे सरदार मानना है तो तुम सबको मेरे उसूलों पर चलना होगा। उसूल? हाँ, हम सिर्फ उन दौलतमंदों को लूटेंगे जिन्होंने गरीबों का खून चूस कर अपनी तिजोरियां भरी हैं। बिला वजह हम किसी का खून नहीं बहाएंगे और किसी की बहू बेटी की इज्जत नहीं लूटेंगे। यह है मेरे असूल। हमें मंजूर है। कैप्टन, बे केयरफुल। आप बेफिक्र रहिए। साफ खजाना लेकर हमारी हद में आ गए। अब मौका बहुत अच्छा है। सुनो साथियों, बिला वजह किसी की जान ही नहीं जाएगी। चलो। Thank you.
कहिए कप्तान साहब, क्या सेवा की जाए आपकी? सुल्ताना, जानते हो जिस रुपए पर तुमने कब्जा किया है वो सरकारी है? अच्छी तरह जानता हूँ। उतार लो ये संदूक। उठाओ। हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। मगर इसका अंजाम मालूम है? तुम सबको फांसी पर लटका दिया जाएगा। अगर इसका भ्रम चाहे तो तुम्हें फांसी पर लटका सकते हैं। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं कैप्टन। सौदा? हाँ, अगर तुम हमारे कबीले वालों को आजाद करने का वायदा कर लो तो हम भी तुम्हें आजाद कर देंगे। तो उससे क्या हो कप्तान साहब, जान बचाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ। जन खाना बदोशों के लिए आप अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? वादा कर लो कैप्टन साहब। अच्छी बात है, किला में पहुंचते ही तुम्हारे कबीले वालों को रहा कर दिया जाएगा। मगर याद रखिएगा, वादा खिलाफी का अंजाम बहुत बुरा होगा। जाने दो इन्हें। माँ, सुल्ताना। ये लो चाची, अब आशा की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुल्ताना। बेटा देख तो, कल के साहूकार आज भिखारी बनकर आपके दर पे आए हैं। हुजूर, हमें सुल्ताना के जुल्म सितम से बचाइए। उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। ऐसा मालूम होता है सरकार के जिला बिजनौर में हुकूमत मर चुकी, इंसाफ दम तोड़ चुका है और कानून मुर्दा हो गया है। हमारी दशा तो उस विधवा स्त्री समान हो गई है सरकार, जिसका सुहाग उजड़ चुका हो, जिसका कोई निगेबान ना हो, जिसका कोई रखवाला ना हो। हम खुद भी शर्मिंदा है। सुल्ताना का हाथ ना आना हमारे लिए बदनामी का बायस है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने भारी इनाम का ऐलान भी किया है और अब यह केस अपने काबिल ऑफिसर कैप्टन यंग को सपोर्ट करने का फैसला किया है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस अंधेर गर्दी का खात्मा हो जाएगा। तब तो हमारी सात पुश्तें आपको दुआ देंगी माई बाप। धन्यवाद सरकार। कनेक्ट मी टू नजीबाबाद फोर्ट। नजीबाबाद फोर्ट, आई यू स्पीकिंग? कॉल मिस्टर यंग। कैप्टन, हमको तुमसे बात करना है। एनीथिंग सीरियस सर? यस, इट इज अबाउट सुल्ताना। सुल्ताना? यस, उसके लूटमार इतनी बढ़ गई है कि लोगों का भरोसा ब्रिटिश गवर्नमेंट से उठता जा रहा है। उसकी एक्टिविटी हमारे लिए चैलेंज है। उसका हाथ न आना हमारी तमाम पुलिस फोर्स की तोहीन है। यू आर राइट सर, आई मस्ट से यू आर वेरी मच राइट। इसीलिए हमने तुमको ये केस सपोर्ट करने का फैसला किया। हमें तुम्हारी काबिलियत और दूरंदेशी पर पूरा भरोसा है। थैंक यू वेरी मच। हमें उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द इस सुल्ताना ग्रोह को समेश करोगे। वेल, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट सर। आई नो यू विल, लेकिन एक शर्त पर, कि इस केस में कैप्टन हडसन कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। एग्री, हमने इस केस का फाइल भी उससे मंगा लिया। फाइल? यस सर। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो। Let us have some drinks, isn't it? I think that is much better, sir. Hello, hello. Hey, my money. What are मोती खोलो इसे। कमाल है, उठाओ। मैं खोलू? मैं मोती बस
भवानी माता की जय। भवानी माता की जय। भवानी माता की जय। माता आज तेरी बहुत हुई कृपा। देखो मोती, इसमें से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए रखकर बाकी आपसे बांट लो। वही बात है, क्या बात है। तुमने सुना नहीं, मैंने गरीबों के लिए लाओ ये कुतरा कपड़ा लाओ भाई, ये लो। नहीं शाबाश, और कपड़ा किधर लूँ, ये लो शाबाश। हाँ नांदल नहीं बंधु, हाँ तुमने शाबाश शाबाश। हाँ ये तो तुम लो, और 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 ये तुम लो। तुमको मिला? हाँ नहीं ले लो। हाँ और ये सोना मोती माल बांट दिया। हाँ सबको बांट दिया, वो भी निकाल दिया। ठहरो मैं जादू दिखाता हूँ। जादू? हाँ देखो ये हार है ना, ये मैं अपने जेब में रखता हूँ और दूसरे के जेब से निकालता हूँ। वो कैसे? वो देखिए ना, काली कलकत्ते वाली माँ काली, बता किसके जेब में? इसी जेब में। मोती तुमने तो कमाल कर दिया, ये जादू कैसे? क्या करे, डाकू चोर निकला, एक हार जेब में रखा, मांगूंगा तो मार देगा, इसलिए जादू करनी पड़ी। जादू अच्छे ना? बहुत अच्छा। तो मैंने भी जादू सीख लिया। ये कारण इसको दो कर देता हूँ। तुम भी जादू सीख गए? कोई बात नहीं। अरे इस खूबसूरत जोड़े पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी। पड़ी थी, पड़ी थी, लेकिन वो तुम्हारे लिए रखा गया है। ये मेरे लिए? नहीं 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 नहीं, नहीं तारा के लिए। अब शादी कर ही डालो, जोड़ा मिला है तुम्हारा, दोनों का जोड़ा भी एक खूबसूरत जोड़ा मालूम होगा। चाची तुम्हारी आंखों में आंसू। बेटी घर से विदा हो और माँ की आंखों में आंसू ना आए। माँ सदा सुखी रहो, दूधो ना हाँ पूतो भरो, लेकिन इस माँ को भी कभी कभी याद कर लेना। बेटी माँ को कभी भूल सकती है माँ? बेटी अच्छा भैया अब चलते हैं। तुम्हें साक्षी मानकर आज मैं तारा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। माता मैंने भी इन्हें मन वचन और कर्म से अपना पति मान लिया है। हम दोनों को आशीर्वाद दो कि हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी रहे। क्या कर रही हो? मेरे साथियों ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए इसे सजाई और तुम हो के? मैंने तुम्हारे जीवन में कांटे बिछा दिए सुल्ताना, तो ये फूल अच्छे नहीं लगते। पगली, तुम्हारी जगह मेरे कबीले की कोई दूसरी लड़की होती तो क्या उसे मैं उस नीच ठाकुर की हवस का शिकार हो जाने देता? तुम अपने आप को मेरे लिए कभी ना कोसना तारा, अब तुम्हारा धर्म है मेरे साथ हर हाल में खुश रहना।
और जब मैं खतरों से खेल कर वापस आऊं तो अपनी मीठी मुस्कुराहट से मेरी सारी थकावटें दूर करना। पति के साथ खतरों से खेलना भी तो धर्म है मेरा। हाँ, मेरी आत्मा बनकर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी तारा। अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह। क्या बात है मोती, बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज दो दो खुशी की बातें हैं। वो क्या? पहले तो ये कि पन्ना ने मुझे बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। अरे बेवकूफ, ये भी कोई खुशी की बात है? हाँ, इस बहस में मुझे पन्ना ने भी नहीं बचाना। अच्छा, और जब पैसा ना तो थिरकते हुए मटकते हुए गले में बाहर डालते हुए शादी का वादा किया। हाँ ठीक है ठीक है। दूसरी बात? दूसरी बात ये है कि ठाकुर अजीत सिंह के बेटे की शादी है और उसमें जश्न होने वाला है। ठाकुर अजीत सिंह? हाँ, उसके तो हमारे ऊपर बड़े आसान आते हैं, उसके यहाँ तो जाना भी पड़ेगा। और उस सात लोगों के ठाट बाट में पर कुछ नहीं है, यहाँ खुशी है और यहाँ बेचैन। तो कोई अपनी जगह सही ला, अगर किसी ने आवाज निकाली तो वो खुद अपनी मौत को आवाज देगा। कौन हो तुम? पहचाना नहीं ठाकुर साहब। ओ, सुल्ताना? हाँ, बिन बुलाया मेहमान। ओ, कैसी बात करते हो सुल्ताना, आज के दिन तो तुम हमारे खास मेहमान हो। चल। ओ, तो यहाँ नाच रंग की महफल जमने वाली थी लेकिन हमने आकर शायद रंग में भंग डाल दी। घबराओ नहीं ठाकुर, ये मुजरा होगा, महफल जमेगी और हसीना नाचेगी। क्यों नहीं क्यों नहीं, सो जाना बैठो। पहले आप। आप लोग बैठो। अबे तुम नहीं, हम यहाँ बैठेंगे, तुम उधर हो जाओ। कल जो अर्श पर था आज वो अर्श पर होगा। साहब बहादुर, बहुत समारे तुमने गुरु जी, आप उठ जाइए। उठा, इट्स एन आउटरेज, आई रिपोर्ट दिस मैटर टू द आईजीपी। ओके जे आईपी। छबीली, हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, तो फिर कोई ऐसा राग छेड़ दो कि महफिल झूम उठे। दिल मेरा चुराया है, भरे मैं
साथियों, उतार लो सबके जेवर। नहीं नहीं सुल्ताना, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो। भगवान के लिए इस खुशी के मौके पर मेरी इज्जत रख लो, मेरी इज्जत रख लो सुल्ताना। शरण में आए हुए पर वार करना सुल्ताना का धर्म नहीं, लेकिन तुम जैसे दौलत वाले दया धर्म क्या जाने। तुमने कभी अपनी ऊंची हवेलियों से नीचे झांक कर देखा है कि वहां भी तुम जैसे इंसान बसते हैं? सुल्ताना ने हर दुखी की मदद का बीड़ा उठाया है, हर गरीब और बेकस के आंसू पोंछने की कसम खाई है। और ये सब काम तुम्हारा ये बोझ हल्का करने से ही होंगे। माफ करना, सरदार का हुक्म है। कैसा नहीं हो तो बस, आप क्या कर रही है? जल्दी चलो साथियों, जय भवानी, जय भवानी। सरदार, एक पन्ना के लिए कैसे रहेगा? शेर सिंह कहाँ? शेर सिंह मुझसे तो बोला था कि तुम लोग चलो। मैं ठाकुर की तिजोरी तोड़ कर आता हूँ। तिजोरी तो मैंने साफ कर दी थी, फिर वो क्या साफ कर रहा है? तोड़ने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? ये किसी की बहू बेटी नहीं, ये वेश्या है। जो किसी की बहू बेटी नहीं, वो हमारे लिए और भी हमदर्दी के काबिल है। बाबू जी, सरदार, इसे इज्जत के साथ इसे घर पहुंचा दो। नहीं, मगर आइंदा एहतियात बरतना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है, मगर छबीली इतनी कृपा करना कि हमारे इस अड्डे की किसी को खबर ना हो। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। बाबू ने छोड़ा, जी चाय। अरे भाई, आने वाला तो आ ही जाएगा, तुम फिकर। फिर
चाची। सुल्ताना बधाई हो, भगवान ने तुम्हें चांद सा बेटा दिया है। चाची रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? आ सुल्ताना। सुल्ताना अपने कलेजे के टुकड़े को देख और आगे ठंडी कर। 100 बरस जिए, बड़ा प्यारा बच्चा है। आज बापू जिंदा होते तो अपने पोते को देखकर कितने खुश होते। तुम सलामत रहो सुल्ताना, तुम्हारा बच्चा सलामत रहे, तुम्हारे बापू सदा ही जिंदा रहेंगे बेटा। देखो सुल्ताना, तुम्हारे तारा ने चांद को जन्म दिया है, हमारे जीवन में उजाला हो गया। तारा, भगवान करे ये बच्चा हमारे पंख बन जाए और हम हजार पंछियों की तरह अपने कबीले के साथ जहां जी चाहे वहां उड़ते रहे। हमको भी मुन्ना दिला दे ऊपर वाले।
चंदा साहिब मुखड़ा जितला दे ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। घबराओ नहीं मोती, तुम्हारी मुरादें भी जल्द पूरी हो जाएंगी। अब तुम सब आराम करो, कल धर्मपुर जाना है। अच्छा, धर्मपुर? हाँ, दलजीत का घर एक साहूकार के पास गिरवी पड़ा है। मूल से कई गुना ब्याज ले चुका है, मगर अभी तक उसका पेट नहीं भरा। माँ ने मुझे मना किया था भैया कि इस खुशी के मौके पर अपना दुखड़ा ना रोना, वरना वो सूदखोर तुम्हारा घर कुर करवा देगा। इसकी खबर मुझे मिल चुकी है। सरकारी कचहरी में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी दलजीत, इसलिए मैंने धर्मपुर में अपनी कचहरी लगाने का फैसला किया है। तो तुम सुल्ताना के गिरोह से अलग हो गए? जी हुजूर, मुझे ऐसी जिंदगी से नफरत हो गई है। सरकार मेरे गुज़िश्ता गुनाह माफ करने का वादा करे तो सुल्ताना को उसके पूरे गिरोह समेत यूं पकड़वा सकता हूं। गुड, तुम्हारा हर गुनाह माफ किया जाएगा और सुल्ताना की गिरफ्तारी पर तुमको इनाम भी दिया जाएगा। धन्यवाद हुजूर। तुमको सुल्ताना के खुफिया अड्डे का पता तो मालूम होगा? जी हुजूर, मगर वहां जाने की क्या जरूरत है? कल वो धर्मपुर गांव में अपनी अदालत लगाने वाला है, वहीं चलिए मेरे साथ। गेमे कैप्टन यांग। जानते हो दीनानाज, आज हमने इस गांव में जनता की कचहरी क्यों लगाई है? मैं क्या जानू हजूर, आपने बुलाया तो मैं खाता लेकर हाजिर हो गया। गंगूबाई ने कितने रुपए लिए हैं तुमसे? खाता देख लो हजूर। देख लो। ठीक से देखना। भगवान झूठा बुलाए, 500 रुपया लिया था अपना मकान गिरवी रखकर। और तुम सूद कितना ले चुके हो? जी सिर्फ 1200 रुपये। 1200 रुपये? जी हजूर। ओ, मगर मेरी असली रकम तो वही खड़ी है। अगर आप इस बनिए का हिसाब कर दें और मेरी रकम मेरी झोली में डाल दें तो मेरी सात पुश्तें आपको दुआएं देगी। मुखिया जी सुन रहे हैं आप इस गांव के चौधरी हैं, अमन के मुहाफिज हैं, आपके होते हुए ये अन्याय? जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ तो सरकार ने बांध रखे। सरकार? ये कैसी सरकार है, कैसा कानून है? हम ऐसी सरकार की धज्जियां उड़ा देंगे। दीनानाथ जी, रैम का कागज ला। जी, जी, जी कागज मांग रहे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जी जी लीजिए भाई साहब, इस पर लिखो कि तुम्हें पूरी रकम मिल गई। मगर रकम लिए बगैर कुछ लिखना अपने धर्म में नहीं भाई बाप। धर्म में नहीं? इनका धर्म ऐसे नहीं बदलेगा। शेर सिंह भी है।
आदमी, इडियट, सफाइयों खेच लो। उतर जाओ घोड़ों पर। ये क्या हो रहा है कैप्टन? ये सुल्ताना का अड्डा बताने से इनकार कर रहा है। मगर पूछने का ये तरीका तो नहीं है। इस तरह से तो किसी को भी हमारी हुकूमत के साथ हमदर्दी नहीं रहेगी। इसे थाने ले जाओ। अरे वाह रे प्यार, काट रहा हूं तुझे, आंसू मेरे आंख में, कमाल है तेरी, वाह वाह वाह। अरे मोती, खाना बनने में कितनी देर है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जरा सबर से काम लो भैया, अपनी दाल जरा देर से गलती है, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन करे तो क्या करे। वक्त काटने के लिए कोई पहेली भूझे? कैसी पहेली? मुझे मालूम है। बताओ तो। मगर शर्त एक है। क्या? अगर तुम हार गए तो मुझे 10 रुपए देने पड़ेंगे, अगर मैं हार गया तो मैं 1 रुपया दूंगा, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। मुझे मंजूर है। मंजूर है तो सुनो, बोल के सुनो, फिर मैं कहना कुछ। हाँ, ऐसा दुनिया में कौन सा पंछी है जिसकी 1000 आंख, 2000 पांव और 3000 पंख? बताओ। 1000 आंख, 2000 पांव, 3000 पंख? पहलवान, ये दिमाग काम है, दिमाग का, जरा सोच समझ कर। हाँ भाई, हमारी समझ में नहीं आया। नहीं समझे? न समझे तो तुम हार गए। लाओ 10 रुपये, लाओ 10 रुपये। अच्छा तुम ही बताओ, कौन सा पंछी है? वो पंछी वो है के ए, मुझे भी नहीं मालूम। तुम हार गए? हाँ, 1 रुपया बस। अरे वाह, लेने में 10, देने में 1। अरे बात हो गई, निकाल मेरे पैसे। अरे मन, बात हो गई, निकाल मेरे पैसे। सुल्ताना ठहरो, गोली मार दूंगा। मोती के बच्चे, तेरी तो मैं ठहर जा दूं आज। वो आया? नहीं, यही खड़े होना। अपनी गंगूबाई है। अरे गंगूबाई, तुम कोई परेशान मालूम होती हो? हाँ मोती, सुल्ताना कहाँ है? सुल्ताना? हाँ, वो क्या बैठा है? ला 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 मेरे पास, ला ला मेरे पास, देखता हूँ कहाँ है वो। अरे सुनो, तुमने मोती के बच्चे को देखा? देखा देखा, उधर जा रहा है वो, उधर जा रहा है, अभी पकड़। तो दलजीत भैया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी तक वो धर्मपुर कोतवाली में बंद है, सुना है शाम को पुलिस उसे पूछताछ के लिए नजीबाबाद ले जाएगी। तुम फिक्र मत करो चाची, शाम से पहले तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा। सच? हाँ चाची, सुल्ताना का वादा पत्थर की लकीर है। अभी बता दे या नहीं? नहीं, नहीं, मैं तो इसे मार मार कर थक गया कोतवाल साहब, मगर इस कमबख्त की जबान नहीं खुलती। पान पानी, पानी पियोगे? हाँ, पानी लेकर आओ। कोड़े की मार सहली, मगर प्यास के मारे
दम निकला जा रहा है। लो पानी पियो। ऐसे नहीं, तुम्हें प्यास बुझानी है तो सुल्ताना के अड्डे का पता बताना होगा। नहीं, मैं ग्लास पानी के लिए अपने भाई की जिंदगी नहीं बेच सकता। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? बड़े साहब आ रहे हैं। बड़े साहब? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं जानते नहीं, अब्दुल वहाब, आज मैं बजे वाली वर्दी मिली। हमको हैरानी के माफक क्या देखता, ब्रिटिश ऑफिसर को सलूट मारना मांगता। माफ कीजिए साहब, हमने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचान सकता, हम लंदन से आज ही आया। ये आदमी कुछ बोला? नहीं साहब, ये बड़ा सख्त जान है, कुछ नहीं बताता। हमको बताएगा। सिपाही, इसे उठाकर हमारा गाड़ी में डाल दो। अच्छा साहब। मगर साहब, हरसन साहब, हरसन साहब यंग साहब से हम बड़ा साहब। मगर साहब मुझ पर तो कोई हर्ष नहीं आएगा। नो, तुम फिक्र मत करो, वो लोग सुल्ताना को पकड़ ना सका, इसका वास्ते हम स्पेशल ड्यूटी पर आए। तुम देखना इस आदमी को लेकर हम कैसे सुल्ताना के अड्डे पर जाता। साहब, उस गाड़ी में रख दिया। अच्छा किया। अच्छा। सिपाही, तुम भी हमारा साथ आना मांगता। अच्छा, आना मांगता, जाना मांगता। हवालदार जी, एक क्या टाइम हुआ? टाइम? अरे एक बंदी गिरी हो गई। सुल्ताना गुलाब गंगा चलो। पुलिस मेरा पीछा कर रही है, शायद वो लोग यहीं आ रहे हैं। आइए मिस्टर। सुल्ताना को कहाँ छुपाया? सुल्ताना? कौन सुल्ताना? हम पूछते हैं, इधर कोई शख्स आया? इधर कोई नहीं आया। सुनिए, आप सुनिए, उस कमरे में कौन है? ठहरो, ये गुसलखाना है, सवेली अंदर नहा रही है। हो सकता है डाकू अंदर हो, तो फिर तोड़ दो दरवाजा। क्लोज इट। सॉरी,
वो लोग चले गए। कह दो उनसे। आइए, वो लोग चले गए। छवि जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है। हाँ तो कोतवाल साहब, यही है वो गांव जहां सुल्ताना आकर लोगों में अनाज बांटता है, कपड़े बांटता है, रुपया पैसे से मदद करता है। इससे पूछ लीजिए। क्यों बे, कहां है सुल्ताना? मुझे नहीं मालूम माए बाप। हद तेरेगी, कोतवाल साहब ये ऐसे नहीं बताएगा। इसे जरा कोतवाली ले चलिए, अपने आप इसकी जुबान खुल जाएगी और ये सच बोल देगा। ले चले इसे। ताकत आजमाई बहुत हो चुकी सार्जेंट, अब हमें सुल्ताना को किसी तरकीब से गिरफ्तार करना चाहिए। इस सिलसिले में वो नाचने वाली लड़की हमारी मदद कर सकती है। एक नाचने वाली तवायफ सुल्ताना को पकड़वाने में हमारी क्या मदद कर सकती है सर? इन फाइल्स को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि छबीली सुल्ताना का खुफिया अड्डा जरूर जानती है, क्योंकि जब सुल्ताना ने ठाकुर अजीत सिंह के घर पर हमला किया तो उसके एक साथी शेर सिंह ने छबीली का अगवा किया, लेकिन सुल्ताना ने निहायत शराफत के साथ छबीली को वापस कर दिया। सुल्ताना भले डाकू सही, लेकिन वो किसी औरत की इज्जत को लुटते नहीं देख सकता। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है कैप्टन, मगर सार्जेंट, हम सुल्ताना तक एक झूठी खबर पहुंचा देना चाहते हैं ताकि वो इस दफा हमारे जाल में जरूर फंस जाए, और ये काम सिर्फ छबीली ही कर सकती है। छबीली? सरकार छबीली क्या नहीं कर सकती, वो चाहे तो मुर्दे में जान डाल सकती है। हाय छबीली। सुनो अब्दुल। जी सरकार। तुम छबीली को जानते हो? हाय छबीली, छबीली को कौन नहीं जानता सरकार। बंदा तो उसका बंदा है, बेदाम है, उसकी शमाए हुस्न का परवाना है अब्दुल, उसकी तीर नजर का घायल है अब्दुल। सरकार, अब्दुल ने खुदा के घर के इतने चक्कर नहीं लगाए जितने उस जालिम की गली के फेरे लगाए। तो फिर तुम हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल को हल कर सकते हो। मैं सरकार? तुम्हें एक झूठी खबर फैलानी पड़ेगी। मामूली बात है सरकार, ये तो मेरा रोज का धंधा है। इस काम के लिए तुम्हें छबीली के कोठे पर जाना होगा। कितने ऊंचे ख्यालत है सरकार आपके, छबीली का कोठे पे तो बंदा सर के बल जाने को तैयार है। सरकार जालिम क्या नाचती है, क्या नाचती है। सर्जेंट जरा सरकार को जरा चाहे, मैं जरा जाने की तैयारी करता हूँ। क्यों रे मालन बावरी करे तू सिंगार।
भोर होते मुजरा क्या खत्म हुआ, महफिल पे छाया हुआ नशा उतर गया, मगर हमारे सर पे तो तुम्हारी जवानी का नशा और भी सवार हो गया जालिम। छबीली भाई बस एक पान और खिला दो। लीजिए पान। लाइए, मगर आप जाइए। हाय, यूं ना देखो छबीली, सौ सौ उम्मीदें बनती हैं एक एक निगाह पर। वाह वाह, तुम तो शायरी करने लगे अब। अरे शायरी, अरे शायरी तो अपना खानदानी पेशा है। मरहूम दादा जान मुंशी फटफुट अपने जमाने में बहुत बड़े शायर थे, और बचपन में चचा गालिब के साथ गोलियां खेला करते थे, गोलियां। अरे मगर ये बंदा गोला इधर कहां से आ गया? अब्दुल मियां, ये इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आई? क्या बताऊं छबीली भाई, जी तो चाहता है दिन रात तुम्हारी चौखट पे बैठ के झाड़ू देता रहूं, मगर इस सुल्ताना के बच्चे ने मेरे साहब की जिंदगी हराम कर दी। अगर ये सुल्ताना पकड़ा जाए तो सारा झमेला खत्म हो जाए। और मेरी दुआ ये है कि तुम्हारे साहब सुल्ताना तो क्या उसकी परछाई को भी न पकड़ सके। ये नमक हरामी छबीली भाई, अभी अभी तुमको इतने से पान के लिए इतना बड़ा 10 रुपए का नोट दिया है और तुम मेरे साहब का बुरा चाहती हो? तुम चाहती हो कि सुल्ताना मेरे साहब की घंटी बजा दे? देखो अब्दुल, अगर एक इंसान का बुरा चाहने से हजारों मजलूमों का भला होता है तो मैं इसमें गलती पे नहीं हूँ। गलती तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। मगर छबीली भाई एक बात बता देता हूँ कि सुल्ताना भी सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। वो कैसे? सुल्ताना के कबीले के लोग जो नजीबाबाद किले में बंद हैं, कल पुलिस उन्हें स्पेशल ट्रेन से कहीं ले जा रही है और मेरा ख्याल है उन्हें कहीं दूर ले जाकर उनका बैंड बजा देगी और उसके बाद सुल्ताना की बारी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छबीली, तुमने मुझे आगाह कर दिया। इन फरंगियों की कैद से कबीले वालों की रिहाई ही मेरी प्रतिज्ञा है और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। जय जगदम्बे। आपने बीड़ा उठाया है भगवान आपको सफल करे, आप दुश्मनों पर विजय पाए, भगवान से यही मेरी प्रार्थना है। तारा, अगर मैं अपनी कौम और कबीले की आन पर कुर्बान हो गया तो तू एक अबला की तरह आंसू मत बहाना, बल्कि एक वीरांगना की तरह इस फूल को एक दहकता हुआ अंगारा बनाना, ताकि मेरे बाद ये मेरी सौगंध को पूरा कर सके। पापू, तुम्हें कुछ होगा मैं दुश्मन को चुन चुन के मारूंगा। शाबाश मेरे बेटे। जाम्बे। जाम्बे।
जान दो सफेद कबूतर के बच्चे को और ले चलो वापस। माता, मेरे सुहाग की रक्षा करना, उन्हें हर मुसीबत से बचाना, तेरे चरणों में मेरी यही विनती है। गंगा, इस सफेद कबूतर को पकड़ लाए हो इसलिए कि इंजन गाड़ी रोकने में ये हमारी मदद करेगा। और सुल्ताना, ट्रेन में चंद ही सिपाही हैं। फिर तो आसानी से हम अपने कबीले वालों को आजाद करा सकेंगे। जाम्बे! तुम लोग तो जाओ। चलो छोड़ दो मुझे, ऐसे छोड़ दो मुझे। चलो पर गोली चलाना बुजदिली है, छोड़ दो इसे।
तुम इधर देखो। सुल्ताना, अगर तुम खुद ही हिम्मत हार बैठोगे तो औरों का क्या होगा? बेचारी गंगूबाई। तुझे किसकी नजर खा गई मेरे लाल? मैं लुट गई सुल्ताना, मैं लुट गई। माँ, माँ, अपने बहादुर बेटे की मौत पर तू आंसू बहा रही है? इस वीर की आत्मा को दुख होगा। आज तो तेरा सर फखर से ऊंचा होना चाहिए चाची। तेरा बेटा पीठ पर नहीं, सीने पर गोली खाकर शहीद हुआ है। जवान बेटे की लाश देखकर किस माँ के सबर का बंध नहीं टूट जाएगा सुल्ताना? मगर तू ये क्यों भूल रही है चाची कि तेरा दूसरा बेटा सुल्ताना अभी जिंदा है और वो इस जालिम हुकूमत से दलजीत की मौत का बदला जरूर लेगा। कुछ पूछना है? जरा इधर आइए, आइए। और छबीली, सरकार छबीली आई है। चाय ले आओ। समझ गया, चाय लाऊं। अभी लाता हूं। आओ छबीली, आओ। आपने मुझे याद फरमाया? हाँ हाँ, आओ बैठो। तुमसे एक पैगाम भिजवाना था सुल्ताना को। सुल्ताना को? उस डाकू से मेरा क्या वास्ता? मैं जानता था कि तुम यही जवाब दोगी, लेकिन डरो नहीं, सुल्ताना को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं। बैठो। मैं सिर्फ उससे एक बार मिलना चाहता हूं। क्या मैं पूछ सकती हूं, आप सुल्ताना से क्यों मिलना चाहते हैं? मैं उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं। आपकी दोस्ती का हाथ बढ़ते बढ़ते सुल्ताना के गिरेबान तक न पहुंच जाए। माफ कीजिएगा, मैं सुल्ताना का बुरा सोच भी नहीं सकती। भले ही वो आपकी निगाह में एक डाकू हो, लेकिन मेरी निगाह में एक फरिश्ता। गरीबों और मजलूमों के लिए वो भगवान का रूप है। मैं भी अपने भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि सुल्ताना पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं सुल्ताना से मिलकर इस खूनरेजी को खत्म करना चाहता हूँ। सुल्ताना से मिलने मैं खुद जाऊंगा, जिस जगह वो कहे। अगर इस मुलाकात में कोई खतरा है तो मेरे लिए। ठीक है, मैं कल ही आपको सुल्ताना से मिलवा देती हूँ। शाबाश, ये लो तुम्हारा इनाम। जी नहीं, आप कभी मेरे गरीब खाने पे तशरीफ ले आइए। वैसे तो इनाम लेना मेरा पेशा ही है, लेकिन नाच मजरे के बाद। आदाब। आदाब। छबीली, छबीली यंग साहब के बंगले पे क्यों गई थी? मालूम होता है किसी खास गरज से यंग साहब ने उसे बुलाया था। अच्छी बात है, तुम ये मालूम करो कि यंग साहब ने उसे क्यों बुलवाया था। बहुत अच्छा साहब। Thank you.
और मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरे पास भी हथियार नहीं और मैं भी अकेला हूं। सुल्ताना, कहिए कप्तान साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सुल्ताना, मैं यहां एक पुलिस अफसर की हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त बनकर आया हूं। राजा और प्रजा की दोस्ती का रिश्ता नामुमकिन है कप्तान साहब। सुल्ताना, मैं तुम्हारा हाकिम और दुश्मन नहीं, मुझे तुम लोगों से हमदर्दी है। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो यहां निहत्ता और अकेला नहीं चला आता। यह आपकी बहादुरी का सबूत है कप्तान साहब, दोस्ती का नहीं। खैर, खत्म कर देना चाहता हूं। कहिए मुझसे आप क्या चाहते हैं? यह उसी सूरत में हो सकता है कि आपकी हुकूमत हम सबको आजाद कर दे। सुल्ताना, मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि तुम फांसी के तख्ते से बच जाओ, लेकिन तुम्हें कैद की सजा जरूर होगी। कप्तान साहब, यह नहीं हो सकता। कैद की जिंदगी से मैं आजादी के लिए लड़के मर जाना बेहतर समझता हूं। तो फिर इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला सुल्ताना? और ना निकलेगा कप्तान साहब। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, सिट डाउन। मैं आपसे कैप्टन यंग की शिकायत करने आया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आपको सुनना पड़ेगा सर, आपने सुल्ताना का केस यंग के हवाले किया, मैंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अंग्रेज सरकार की तोहीन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंग्रेज सरकार की तोहीन? हर्सन, तुम यंग पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ सर, कैप्टन यंग ने एक नाचने वाली से मिलकर सुल्ताना से मुलाकात की, वो इसे गिरफ्तार कर सकते थे मगर नहीं किया। उन्होंने सुल्ताना से ऐसी बातचीत की जैसे अंग्रेज सरकार दबकर उसे समझौता कर ले। अगर ये सच है तो फौरन उस नाचने वाली को गिरफ्तार किया जाए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया सर, अगर आप इजाजत दें उस पर सख्ती करके सुल्ताने का पता मालूम किया जाए। तुमको इजाजत है। थैंक यू सर, थैंक यू। यंग साहब, आप? लेकिन सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब आपने सुल्ताना का केस मेरे हवाले किया था तो फिर हटसन ने उसमें दखल अंदाजी क्यों की? ज्ञान, ये लॉ और ऑर्डर का सवाल है। तुम्हारा हटसन का जाति मामला नहीं, हुकूमत की इज्जत और वकार का मसला है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हुकूमत की इज्जत और वकार के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इसलिए हम तुम्हारी कर्ज करते हैं। लेकिन हमको यह सुनकर हैरत हुई कि सुल्ताना तुम्हारे पास आया और तुमने उसको गिरफ्तार नहीं किया। यू हैड ए रॉन्ग इंफॉर्मेशन सर, सुल्ताना मेरे पास नहीं आया था बल्कि मैं सुल्ताना के पास गया था। What? तुम सुल्ताना के पास गए थे अंग्रेज सरकार की भुतली का मास्टर देने? जी नहीं, मैं गया था अंग्रेज सरकार की अमन पसंदी और इंसाफ का नमूना दिखाने के लिए और यह बताने के लिए कि अंग्रेज सरकार किसी की दुश्मन नहीं है। हसन ठीक कहता था कि तुम सुल्ताना के साथियों को बेकसूर और सुल्ताना को इंडियन रॉबिन हुड समझते हो। जी नहीं,
मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि सुल्ताना एक बहादुर और शरीफ आदमी है, उस पर जुल्म हुआ है और उसके कबीले पर जुल्म हुआ है। ये लूट मार, ये खून खराबा कौन कर रहा? सर, हम अपने ओहदों की चार दीवारी में बंद हैं और सच्चाई हमसे बहुत दूर है। तो तुम्हारे ख्याल से हम अंधे हैं, अंग्रेज सरकार जालिम? मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि हटसन जैसे अफसर जालिम हैं और रियाया से नफरत करते हैं। जान, तुम्हारे ख्याल सुन के हमको बहुत सदमा हुआ। तुम्हारे जैसे दो चार ऑफिसर और हो जाए तो इस मुल्क से अंग्रेज सरकार का सूरज हमेशा के लिए डूब सकता है। यू आर राइट इन ए वे सर, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि किसी देश के लोगों से नफरत करके उन पर राज नहीं किया जा सकता, और अब बेहतर तो यह है कि आप इस्तीफा मंजूर करें और मुझे लंदन जाने की इजाजत दें। जब तक सुल्ताना गिरफ्तार नहीं हो जाता तुम हिंदुस्तान से नहीं जा सकते। यू आर राइट सर, कैन आई गो? यस यू कैन। फैसला हो जाएगा, तुम और गंगा उन्हें झांसा देकर पहाड़ी के पीछे ले आओ, हम वहां उनका स्वागत करेंगे। जाओ मोती, तुम तारा और बच्चे को लेकर पहाड़ी के ऊपर जाकर मेरा इंतजार करो। मगर क्या, जाओ।
सोच की फिक्र मत कर, वो खैरियत है, चिंता मत कर सारा, वो ठीक है। मेरे जीते जी उसका कोई बालिश बांका नहीं कर सकता। सुल्ताना, मैंने मैंने जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं मांगा, मगर मगर आज कुछ मांगती हूँ। क्या बात है तारा, क्या मांगना चाहती है? वादा करो, मुझे वचन दो। हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ, वादा करता हूँ। सुल्ताना, तुम्हारी जिंदगी तो खून खराबी में गुजर ही रही है, मगर मगर मेरा बच्चा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक अच्छा शेरी बने, ढाकुना बने। सुल्ताना, सुल्ताना ढाकुना बने, ढाकुना। तारा, रुक जाओ सुल्ताना, वरना मैं इसे शूट कर दूंगा। अगर बच्चे की जिंदगी चाहते हो, बंदूक फेंक दो, क्विक। ले आओ। गोली चला दूंगा। अक्सन साहब की जान लेकर भी तुम अपने आप को नहीं बचा सकोगे सुल्ताना, तुम्हारे सारे साथी खत्म हो चुके हैं। तुमने कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारे बाद तुम्हारे कबीले वालों का क्या होगा और इस मासूम बच्चे का क्या होगा? बने सुल्ताना बने। अच्छी बात, अगर तुम हसन की जिंदगी चाहते हो तो वादा करो, मेरे कबीले वाले आजाद कर दिए जाएंगे। यह मेरे अख्तियार में नहीं सुल्ताना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तुम्हें वादा करना होगा कैप्टन। मैं वादा करता हूं। तुम नहीं, तुम एक बार वादा खिलाफी कर चुके हो। कैप्टन यंग से कहो, उन पर मुझे पूरा भरोसा है। वादा कर लो कैप्टन, यह मेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छी बात है, मैं वादा करता हूं। गिरफ्तार कर लो। बेटे, मुन्ना, कैप्टन, मैं अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले करता हूं। खामोश हो जाओ, सरकार ने तुम सबको रिहा कर दिया है, चलो सब बाहर चलो। लेकिन सुल्ताना कहाँ है? ये हम नहीं जानते, तुम बाहर चलो। इत्मीनान रखो सुल्ताना, मैं तुम्हारे बेटे की परवरिश अपने बेटे की तरह करूंगा।